बिहार विशेष तो है ही, लेकिन दर्जा देने के लिए नीति हो, नीति में क्या हो कैसे हो हमारा सोच है। और जो वर्तमान में जो योजनाएं हैं कम से कम उसको तो फटाफट करा लीजिए। बिहार में ये बात सच है और आप सब लोग को समझना होगा, और मैं फिर दोहराना चाहूंगा, मुझे ना 15 साल तक लालू जी की सरकार पर कोई आपत्ति है, जो भी था जैसा भी था उन्होंने चलाया, कोई टिप्पणी करने से फायदा नहीं। उसके बाद 15 साल तक माननीय नीतीश कुमार अपने तरफ से उन्होंने खूब प्रयास किया, अच्छा काम किया, कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन तमाम प्रयास के बाद आज नीति आयोग जो पूरे भारत को चिन्हित करता है कि कौन प्रगति के रास्ते पर कहाँ है, पता नहीं क्यों आज नीति आयोग ने बिहार को सबसे पिछड़े राज्य की श्रेणी में रखा। कि निवेश विशेष राज्य का दर्जा का मतलब ही होता है कि आपको निवेश चाहिए, और निवेश नीति से होता है। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूं यति आपके साथ। जैसा कि आप सबको पता होगा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा मिलने को लेकर के बिहार में सियासत इन दिनों काफ़ी गर्म देखने को मिल रही है। जहां महागठबंधन की बात करें तो JDU बार बार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के मांग कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं BJP ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब केंद्र सरकार बिहार सरकार को मदद कर रही है, हर चीज़ व्यवस्था करा रही है, तो क्या ज़रूरत है बिहार को विशेष राज के दर्जे की। इसी बीच BJP के सांसद विजय प्रताप रोड़ी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने JDU की मांग पर तंज कसा है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप एक बार इस वीडियो के माध्यम से खुद देखिए। बिहार विशेष तो है ही, लेकिन दर्जा देने के लिए नीति हो, नीति में क्या हो कैसे हो हमारा सोच है, और जो वर्तमान में जो योजनाएं हैं कम से कम उसको तो फटाफट करा लीजिए। बिहार में NDA का भविष्य बहुत ही मजबूत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा सरकार चल रहा है, और बिल्कुल है आंतरिक रूप से कुछ विमर्श होता है, विमर्श को पॉलिटिकली इंटरप्रेट करना उचित नहीं होगा, और हम संकल्प के साथ बिहार की सरकार और बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल सभी सदस्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। बिहार में ये बात सच है और आप सब लोग को समझना होगा, और मैं फिर दोहराना चाहूँगा, मुझे ना 15 साल तक लालू जी की सरकार पर कोई आपत्ति है, जो भी था जैसा भी था उन्होंने चलाया, कोई टिप्पणी करने से फायदा नहीं। उसके बाद 15 साल तक माननीय नीतीश कुमार जी अपने तरफ से उन्होंने खूब प्रयास किया, अच्छा काम किया, कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन तमाम प्रयास के बाद आज नीति आयोग जो पूरे भारत को चिन्हित करता है कि कौन प्रगति के रास्ते पर कहां है, पता नहीं क्यों आज नीति आयोग ने बिहार को सबसे पिछड़े राज्य की श्रेणी में रखा। राजस्थान बाहर निकल गया, मध्य प्रदेश बाहर निकल गया, बाकी विकसित जो राज्य थे, आज तमिलनाडु देश का सबसे विकसित राज्य है, महाराष्ट्र आगे निकल गया। लेकिन जब कोई प्रतिवेदन में, और वो सक्षम प्रतिवेदन है, अगर किसी राज्य को पिछड़ा घोषित किया जाता है, तो मेरी समझ है, मैं बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, मेरी समझ है कि निवेश से विकास नहीं हो जाता है। निवेश किस प्रकार से किया जाए और किस क्षेत्र में किया जाए और कैसे किया जाए और क्या लक्ष्य है, क्या सोच है, क्या विजन है, अगर उसके साथ उसको आप नहीं जोड़ेंगे तो उसका राज्य को फायदा नहीं हो पाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि निवेश विशेष राज्य का दर्जा का मतलब ही होता है कि आपको निवेश चाहिए, और निवेश नीति से होता है। तो सबसे पहले हमें संरचना के क्षेत्र में, बंदरगाहों के क्षेत्र में, पोर्ट के, नदियों के क्षेत्र में, बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में, हमारा लक्ष्य क्या है उसको निर्धारित करके रोड मैप बना करके फिर भारत सरकार के पास जाना चाहिए। और अगर मैं, मान लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बना दिया, मान लीजिए कि अगर बिहार सरकार सहमति दे देती है
कि अंतर्राष्ट्रीय पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह भी रहता है, तो सीधे 8,000 करोड़ रुपया बिहार में चला आएगा और उससे लाभ होने की स्थिति में 40,000 से 50,000 करोड़ रुपया अगले 20 साल में हो जाएगा और उसके अगल बगल का इलाका जो आपके। तो सुना आपने किस तरीके से विजय प्रताप रोड़ी ने तंज कसा है जेडीयू के ऊपर। यही नहीं, उन्होंने बिहार सरकार को अपनी नीतियों पर ध्यान देने के लिए भी कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार सरकार को अपनी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए और जो कुछ भी व्यवस्थाएं और जो कुछ भी चीज़ें वो करवा रहे हैं बिहार में उस पर ध्यान दें और उनको जल्द ही पूरा करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।